Good morning and assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter 9 of NCERT book of class 7, A Bicycle in Good Repair. Let's start the chapter. Before we start the chapter, let's read before you read given in the chapter. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि आप एक लंबी साइकिल की सवारी करें, तो उसके लिए आपकी साइकिल जो है वो एक अच्छी हालत में, अच्छी स्थिति में, अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए. इफ़ पॉसिबल एन एक्सपर्ट मैकेनिक शुड ओवरहॉल इट. अगर मुमकिन हो तो एक अच्छे मैकेनिक से, एक एक्सपर्ट मैकेनिक से उसकी आप उसको एक बार एग्जामिन करवा लें. ओवरहॉल मतलब इसकी एक बार जाँच करवा लें, एक बार उसको दिखा लें. बट वॉट हैपन्स इफ़ द मैकेनिक बट वॉट हैपन्स इफ द मशीन has a will of its own and the mechanic knows next to nothing. लेकिन क्या हो अगर मशीन खुद ही अपनी इच्छा पर चले and the mechanic knows next to nothing, और मैकेनिक को उसके बारे में कुछ भी पता ना हो. next to nothing मतलब almost कुछ भी पता ना हो. a bicycle in good repair, cycle की एक cycle की अच्छी हालत. a man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. I agreed. अब author बोल रहा है, writer बोल रहा है कि एक शाम एक आदमी ने, जिसको मैं जानता हूँ, उसने मुझे propose किया, उसने मुझे offer दिया कि हम अगले दिन, following day मतलब next day, हम एक साथ एक long bicycle ride पर चलेंगे, एक लंबी cycle की सवारी एक साथ करेंगे. एंड आई एग्रीड मतलब मैं मान गया, मैं उस पर सहमत हो गया. आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ. अब ऑथर बोल रहा है कि मैं जल्दी उठा, अगले दिन मैं जल्दी उठा. फॉर मी मेरे लिए जो है जल्दी उठना, आई मेड एन एफर्ट, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाने की बात है, बहुत ज़्यादा कठिनाई की बात है, मुश्किल की बात है, क्योंकि मैं जल्दी उठने वालों में से नहीं हूँ और मैं जल्दी उठा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत दिक्कत की बात होती है, बहुत मुश्किल से ही मैं ऐसा कर पाता हूँ. एंड वॉज प्लीज्ड विद माई सेल्फ, मैं इस बात से अपनी, इस जल्दी उठने वाली बात से बहुत ज़्यादा खुश हुआ, अपने आप से बहुत ज़्यादा खुश हुआ. ही केम हाफ एन आवर लेट, बट वह आदमी जो है वो आधा घंटा लेट आया. आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन, मैं उस आदमी का इंतज़ार अपने गार्डन में कर रहा था. इट वॉज अ लवली डे, ही सेड. That's a good looking machine of yours. How does it work? How does it run? अब वो आता है और कहता है कि आपकी मशीन जो है, आपकी साइकिल, उनकी साइकिल के बारे में बात करता है. बोलता है कि आपकी मशीन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है. How does it run? वो कैसे चलती है? ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम. अब राइटर जवाब देता है कि जैसे बाकी सारी साइकिल्स चलती हैं वैसे ही ये भी चलती है. आई आंसर्ड, उसने कहा, मैंने कहा, मतलब राइटर कह रहा है कि मैंने ऐसा कहा कि जैसे सारी चलती हैं वैसे ही ये भी चलती है. ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, गोज़ अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच. वो कह रहा है कि ये ईजीली चलती है मॉर्निंग के टाइम, सुबह के टाइम बहुत आसानी से चला ली जाती है, लेकिन लंच के बाद में इसको चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ी सी कठिनाई आती है. ही कॉट होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील एंड द फोक एंड शूक इट वायलेंटली. उसने, उस आदमी ने साइकिल का फ्रंट व्हील जो है उसको, फ्रंट व्हील को पकड़ लिया और उसका फोक, उसका जो चिमटी है उसको भी पकड़ लिया और दोनों को बहुत वायलेंटली मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उसको हिलाने लग गया. आई सेड डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट. राइटर जो है उस आदमी को कहता है कि आप ऐसा मत करें क्योंकि इससे जो है वो आप उसको डैमेज कर दोगे. हर्ट का मतलब है यहाँ पर डैमेज कर दोगे. I did not see why he should shake it. अब उसको समझ नहीं आ रहा था, राइटर को समझ नहीं आ रहा था. वो कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों उसको शेक कर रहा है, क्यों उस पहिए को, उस क्यों उस व्हील को हिला रहा है. इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, उस बेचारे पहिए ने उसका कुछ भी नहीं किया था, उसके लिए मतलब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था. बिसाइड्स इफ़ ही वॉन्टेड, इसके अलावा अगर वॉबल, इफ़ इट वॉन्टेड मतलब शेकिंग, अगर वो उसको हिलाना ही था, मतलब अगर उस पहिए को हिलाना ही था तो आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट. अगर उस पहिए को हिलाना भी था
तो मैं उसके लिए सही व्यक्ति था उसे हिलाने के लिए. आई फेल्ट मच एज आई शुड हैड ही स्टार्टेड वेकिंग माई डॉग. अब वो जब वो पहिए को हिला रहा था वो आदमी, तो मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो मेरे पेट डॉग को बुरी तरीके से पीट रहा है. वेकिंग मतलब पीटना, बीटिंग या स्ट्राइकिंग, मारना. ही सेड दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. आई सेड इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट. वो व्यक्ति कह रहा है कि इसका फ्रंट व्हील जो है वो वॉबल करता है. फ्रंट व्हील वॉबल करता है मतलब अनस्टडी है, हिलता डुलता है, उसका कहना ये था. आई सेड इट डजंट इफ़ यू डोंट वॉबल इट. अब राइटर कह रहा है कि वो वॉबल नहीं करता है, अगर आप उसको वॉबल नहीं करेंगे तो वो वॉबल नहीं करेगा. इट डिडंट वॉबल, वो पहले वॉबल नहीं करता था. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई यही है, नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल. सच्चाई ये है कि उसमें वॉबल करने जैसा, ये कुछ भी वॉबलिंग जैसा कुछ था ही नहीं उस पहिए के अंदर, साइकिल के पहिए के अंदर. बिल्कुल ठीक था, वो वॉबल नहीं करता था, बिल्कुल स्टडी था, बिल्कुल भी अनस्टडी नहीं था, एकदम सही था. ही सेड दिस इज डेंजरस, हैव यू गॉट अ हैमर. अब वो कह उसने कहा कि ये ख़तरनाक हो सकता है, क्या तुम्हारे पास हैमर है. हथौड़ा मंगवाता है वो उससे, क्या तुम्हारे पास हथौड़ा है. आई ऑट टू हैव बीन फर्म. अब मुझे जो इस समय बहुत दृढ़ रहने की बहुत दृढ़ रहना चाहिए था. बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस. फिर वो सोचता है कि हो सकता है शायद उस आदमी को इसके बारे में, मतलब बाइसाइकिल के रिपेयरिंग के बारे में कुछ ज़्यादा ही नॉलेज हो, कुछ ज़्यादा ही उस बारे में उसे पता हो. आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वॉट आई कुड फाइंड. फिर मैं जो हूँ, वो राइटर अपने बारे में कहता है कि मैं जो हूँ वो टूल शेड की तरफ चला जाता हूँ और देखता हूँ वहाँ जाके कि मुझे क्या मिल सकता है. वेन आई केम बैक ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स. जब मैं वापस आता हूँ और देखता हूँ कि वह व्यक्ति फ्रंट व्हील को निकाले हुए और अपने दोनों टांगों के बीच में लगाए हुए बैठा होता है. ही वॉज प्लेइंग विद इट, और वो उसके साथ खेल रहा होता है. ट्विडलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर्स, अपने फिंगर्स के बीच में उसको गोल गोल टर्न कर रहा होता है. द रेमनेंट ऑफ द मशीन वॉज लाइंग ऑन द ग्रेवल पाथ बिसाइड हिम. और बाकी के रेमनेंट मतलब रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं उस साइकिल के, वो वहीं पर ही उसके बगल में ग्रेवल पाथ मतलब पत्थर का, स्टोन का बना हुआ एक रास्ता होता है, वहीं पर बाकी सारे पार्ट्स भी बिखरे हुए पड़े होते हैं. ही सेड इट लुक्स टू मी एज इफ द बेयरिंग वर ऑल रॉन्ग. उसने उस राइटर से कहता है वो व्यक्ति कि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बेयरिंग जो है वो सारी गलत है. आई सेड डोंट ट्रबल अबाउट इट एनी मोर. अब राइटर बोलता है कि आप अपने आप को और इसके लिए परेशान मत कीजिए. यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, आप अपने आप को इसके लिए अगर आप बार बार रिपेयरिंग करते रहेंगे तो आप अपने आप को थका लेंगे. लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ. वो कहता है कि चलिए इसको वापस रख देते हैं और हम दोनों चलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फॉर टुडेज वीडियो दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. ओके, वील कंटिन्यू द चैप्टर इन माई नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.